छात्रों, आज हम एपीएससी 2021 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मानव विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में पूछा गया है उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे और हम देखेंगे कि आप आंसर कैसे लिखें। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ज्ञान तो आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आंसर कैसे लिखें, किस प्रकार से हम आंसर करें, इसके लिए हमें विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। तो उसी संदर्भ में कुछ प्रश्नों का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी, अलग अलग होंगी। तो आज हम लोग एक विशेष प्रश्न को देखें जो पूछा गया है, एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ही ये पूछा गया है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद एवं फ्रेंच बोआस। तो इस प्रश्न के अंतर्गत दो पार्ट हैं, एक तो फ्रेंच बोआस, ये मानव शास्त्री हैं और इन्होंने ही ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किया है। ध्यान रहे कि ये प्रश्न जो है हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी प्रश्न का जब आप 150 वर्ड्स में आंसर लिखने जाते हैं। तो पहला चैलेंज यहाँ पर ये है कि जब ये दो चीज़ें एक साथ पूछा गया है तो हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें अपना इंट्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन जब आप लिखने जाएं, तो पहले फ्रेंच बोआस के बारे में थोड़ा सा परिचय दें, राइट? और इसी परिचय से, इन्हीं के इंट्रोडक्शन से इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत ऐतिहासिक विशिष्टतावाद फ्रेंच बोआस का एक तरह से मानव विज्ञान में कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले दो तीन लाइन में ही फ्रेंच बोआस के बारे में आपको लिखनी होती है। तो कैसे लिखें हम, तो फ्रेंच बोआस के बारे में जो परिचय आप दीजिएगा, तो आप परिचय ऐसे दे सकते हैं कि फ्रेंच बोआस को अमेरिकी मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। वह मूल रूप से जर्मन नागरिक थे और उन्होंने अपने अकादमिक के ज्ञान के अंतर्गत भूगोल, भौतिक विज्ञान एवं गणित की शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में वो मानवशास्त्री के रूप में एंथ्रोपोलॉजी के रूप में अध्ययन करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और ये एक तरह से 20वीं शताब्दी के जो अर्ली फेज है उस शताब्दी के बहुत ही महान मानव शास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। फ्रेंच बोआस ने बहुत व्यापक अध्ययन किया है मानव विज्ञान के अंतर्गत और मानव विज्ञान की चारों प्रमुख जो शाखा है, उससे चार प्रमुख शाखा यानी सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, चारों ही क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको सिंपल लिखना है, इतना मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, इतना नहीं जानना है आपको, सिंपल दो लाइन में लिखनी है कि फ्रेंच बोआस को अमेरिकी मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है, मूलतः वे जर्मन नागरिक थे जिन्होंने गणित, भौतिक विज्ञान एवं भूगोल की शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने मानव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। मानव विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्हीं महत्वपूर्ण कार्य में से ऐतिहासिक विशिष्टतावाद जो है कि संकल्पना का विकास, की अवधारणा का विकास फ्रेंच बोआस ने किया है। अब ध्यान ये रखना है कि हमें बात करनी है ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की। तो फ्रेंच बोआस ने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन, ध्यान ये रखना है आपको, शास्त्रीय उद्विकासवाद
की आलोचना के क्रम में किया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज के इन्होंने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन शास्त्रीय उद्विकासवाद की अवधारणा की आलोचना के क्रम में किया है। यानी कि प्रिंजवास जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट अप्रोच था एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, उसके बहुत बड़े आलोचक थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है, दो फैक्ट आपको याद रखना है। ये अवधारणा का जो प्रतिपादन करते हैं, इसका प्रतिपादन फ्रेंजवास ने, इनकी कृति जो है, इनका जो वर्क है लिमिटेशंस ऑफ कंपरेटिव मेथड, ये अंग्रेजी में ही लिखना है, ये बुक का नाम है। और ये बुक इन्होंने 1896 ईस्वी में लिखी थी। और दूसरा क्वाक्यूटल इथनोग्राफी, ये बुक इन्होंने लिखी 1905 ईस्वी में। दरअसल फ्रेंजवास जो शास्त्रीय उद्विकासवाद की अवधारणा थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने संस्कृति के एक रेखीय उद्विकास का प्रतिपादन किया था, और उसमें कहा था कि संस्कृति सरल से जटिल अवस्था में विकसित होती है, और इसका अध्ययन जो है हम तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं, और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की उनकी अवधारणा थी। इन तीनों अवधारणा का फ्रेंजवास खंडन करते हैं, और इस क्रम में ये ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। अब ये ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की जो अवधारणा है, ये क्या है, है ना, कैसे इस अवधारणा ने शास्त्रीय उद्विकासवाद की जो अवधारणा थी संस्कृति के संदर्भ में, उसका खंडन करता है, और इसके माध्यम से फ्रेंजवास मानव विज्ञान को क्या नया देते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आप थ्योरी के अंतर्गत कोई सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं या कोई अवधारणा आप प्रतिपादित करते हैं, तो उस अवधारणा के पीछे आपका एक ग्राउंड वर्क होता है। तो दरअसल फ्रेंजवास से ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की जो अवधारणा है, जब ये क्वाकिटल इंडियन जनजाति के बीच छेद कार्य करते हैं, फील्ड वर्क कर, पहला मानव शास्त्री हैं जो कि रियल सेंस में इथनोग्राफी करते हैं, इथनोग्राफिक के स्टडी करते हैं। तो ये जब क्वाक्यूटल इंडियन जनजाति के बीच छेद कार्य करते हैं, तो फिर संस्कृति की इनकी जो अवधारणा है वो बड़ा विकसित होती है, और इसके अंतर्गत इस अवधारणा को समझने के लिए संस्कृति के संदर्भ में इनकी जो कुछ अवधारणाएँ थी उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये संस्कृति के बारे में कहते हैं कि संस्कृति एक तो समग्र होता है, और दूसरा संस्कृति के तत्व अंतः संबंधित होते हैं। और तीसरा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, राइट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत, इसकी व्याख्या करने के अंतर्गत इन्होंने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की संकल्पना का भी विकास किया। यहां पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद को एक लाइन में आपको लिखना है, ऐतिहासिक विशिष्टतावाद को स्पष्ट करने के लिए। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद में ये कहते हैं कि संस्कृति न तो उच्च होती है न निम्न होती है, बल्कि प्रत्येक संस्कृति विशिष्ट होती है। ध्यान ये रखना है कि इसमें संस्कृति की जो अवधारणा है उसमें ये कहते हैं कि संस्कृति विशिष्ट होती है,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। कह रहे हैं कि संस्कृति न तो उच्च होती है न निम्न होती है, बल्कि संस्कृति विशिष्ट होती है। संस्कृति क्यों विशिष्ट होती है, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संस्कृति का एक स्वतंत्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है। ध्यान ये रखना, एक तरफ ये कह रहे हैं कि संस्कृति न तो उच्च होती है न निम्न होती है, बल्कि संस्कृति विशिष्ट होती है। क्यों संस्कृति विशिष्ट होती है? क्योंकि प्रत्येक संस्कृति का एक स्वतंत्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है, हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। और फिर ये कह रहे हैं किसी संस्कृति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। राइट, हिस्टोरिकल मेथड के माध्यम से किसी भी संस्कृति की ऐतिहासिक विशिष्टता का अध्ययन किया जा सकता है। यानी किसी भी संस्कृति का जब अध्ययन हम करेंगे तो हमें हिस्टोरिकल मेथड का एप्लीकेशन करना है उस संस्कृति के अध्ययन के लिए। कंपैरेटिव मेथड ये कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति संस्कृति की विशिष्टता के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि संस्कृति की विशिष्टता को अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है, किसी भी संस्कृति की ऐतिहासिक प्रक्रिया, हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, वो हिस्टोरिकल प्रोसेस भी विशिष्ट होती है। और उस हिस्टोरिकल प्रोसेस का अध्ययन हमें ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि फ्रेंच वास एक भूगोलिक बेता भी थे, भूगोल का इनका पृष्ठभूमि था, और इसलिए यहाँ पर ऐतिहासिक पद्धति जो ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र की जो स्थानीय इतिहास है, लोकल हिस्ट्री है, उस लोकल हिस्ट्री का जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें ये बात पता चलता है कि इस पर्टिकुलर संस्कृति का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और इसके लिए हमें प्रकृति इतिहास अप्रोच, नेचुरल हिस्ट्री अप्रोच को फॉलो करना होगा। प्राकृतिक इतिहास दृष्टिकोण का अनुसरण करना होगा। राइट, ये बात ये कह रहे हैं कि हमें नेचुरल हिस्ट्री अप्रोच को फॉलो करना है। यानी कि फ्रेंच वास के अनुसार प्रत्येक जो संस्कृति है वो संस्कृति एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्रस्फुटित होती है, पल्वित होती है, पुष्पित होती है, विकसित होती है। तो उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जब हम लोकल इतिहास का अध्ययन करेंगे और वो लोकल इतिहास का अध्ययन हमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में निर्जाति वर्णन का भी अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसकी आर्कियोलॉजी का भी अध्ययन करेंगे, उसके आर्कियोलॉजिकल डेटा का भी अध्ययन करेंगे, और उससे जो फाइंडिंग्स मिलेगी उस फाइंडिंग के आधार पर जब हम उसके लोकल इतिहास को, उसके स्थानीय इतिहास को, उसके ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है उसका अध्ययन करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि रियल में ये संस्कृति इस तरह से विशिष्ट क्यों है।
और इसके माध्यम से उन्होंने शास्त्रीय उद्विकासवादियों के जो यूनिलिनियल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से संस्कृति के बीच समानता को स्थापित करने का प्रयास किया था, और उन्होंने कहा था कि यह साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के कारण ऐसा होता है, ये कहते हैं कि नहीं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया की रूपरेखा विशिष्ट होती है, और मानव शास्त्री का मुख्य वर्क जो है किसी संस्कृति की विशिष्टता का अध्ययन होना चाहिए, और इसीलिए इसको हम ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के नाम से जानते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत फ्रिंज वास ने कहा कि जब हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के अंतर्गत हमें इम्पिरिकल मेथड का उपयोग करना है। इम्पिरिकल मेथड का उपयोग का मतलब क्या हुआ कि हमें क्षेत्रकार से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से संस्कृति की विशिष्टता को प्रमाणित करना चाहिए, और जब क्षेत्रकार हम करने जाते हैं किसी भी संस्कृति में, किसी भी समाज में, तो सबसे पहले उस समाज के लोगों की भाषा हमें आनी चाहिए। फिर ये बात करते हैं कि उस संस्कृति, उस समाज के लोगों के साथ भाषा को सीखने के क्रम में आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, और थर्ड आपको एमिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए, उनकी संस्कृति का अध्ययन उन लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार आप करना चाहिए, और जब उन लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार अगर आप उनकी संस्कृति का अध्ययन करेंगे तब आप उनकी संस्कृति की विशिष्टता को आप समझ पाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के नाम से जानते हैं। तो एक तो आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है, इसके बाद क्या करना है कि कुछ इसके क्रिटिक्स भी आपको लिखना है, यानी इनकी आलोचना भी आपको करनी है, इनकी कमियां आपको बतानी है। तो पहला इनकी जो आलोचना है उसमें मानव शास्त्रियों ने इनकी आलोचना किया कि दरअसल फ्रेंच वास जो है ऐतिहासिक नियतिवाद के शिकार हैं, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म के शिकार हैं, क्योंकि फ्रेंच वास क्या कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है, ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया जो है संस्कृति का सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है। तो पहला आलोचना तो यहाँ से होती है। कई बार क्या होता है कि संस्कृति डिफ्यूजन के माध्यम से, प्रसरण के माध्यम से, या एक कल्चरेशन के माध्यम से भी संस्कृति में कुछ एलिमेंट आते हैं, या संस्कृति का विकास होता है, या इन्वेंशन के माध्यम से भी होता है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही मुख्य आधार मानते हैं, इसको लेकर इनकी आलोचना होती है। दूसरा प्रकारवादी मानव शास्त्रियों ने कहा कि संस्कृति के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम संस्कृति जो है क्या मानव समाज के लिए कार्य करती है उस पर अध्ययन करें। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ्रेंच वास ने जिस ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, इसे सिद्धांत के रूप में मानव विज्ञान में स्वीकार नहीं किया जाता, एक अवधारणा के रूप में, एक अप्रोच के रूप में इसे स्वीकार तो किया जाता है, बट इसमें उतनी सैद्धांतिक जो पारंगतता होनी चाहिए वो नहीं था, और इस कारण से फ्रेंच वास की यहाँ पर आलोचना की जाती है। आप पे एक दो पॉइंट आलोचना के लिखेंगे, और फिर आप पे जो निष्कर्ष लिखेंगे उस निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि इस प्रकार फ्रेंच वास द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक विशिष्टतावाद की अवधारणा की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, किंतु इन सीमाओं के बावजूद मानव विज्ञान में फ्रेंच वास का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और फ्रेंच वास ने संस्कृति के अध्ययन की एक विशिष्ट अप्रोच, विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जो कि संस्कृति की समझ व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इस तरह से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं।